कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राधा भाई जिंदाबाद, राधा भाई जिंदाबाद, अल्लाह जी जिंदाबाद, अल्लाह जी जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गुप्ता। दोस्तों आज हमारे सतना शहर में राहुल गांधी आने वाले हैं और आज बहुत ज्यादा तादाद में लोग यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। आइए, कुछ लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और जानते हैं कि आखिर क्या वजह है, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है, वो कौन कौन से मुद्दे हैं। भाई साहब, आप सभी लोगों का नमस्कार। और आज राहुल गांधी जी आने वाले हैं और विशेष रूप से मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली, क्या आप कहना चाहते हैं? मध्य प्रदेश में पूर्ण रूप से कमलनाथ जी की सरकार बनेगी और हमारे अमर पाटन से आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह दादा भाई पूर्ण बहुमत से चुनाव जीत कर आ रहे हैं। ऐसे वो कौन कौन से मुद्दे हैं सर, जो भाजपा सरकार वो जिन मुद्दों को काम करना चाहिए था उन मुद्दों पर काम नहीं कर पाई है, क्या कौन कौन से वो मुद्दे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का जी। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का। दूसरा मुद्दा है किसानों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार ये सरकार की। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा मुद्दा है ये जो झूठ बोल के और सरकार बनी बनाई सरकार को गिराया है, बनी प्रजातंत्र में बनी सरकार को गिराने में इसमें जनता में भारी आक्रोश है और जन आक्रोश इतना बढ़ा है कि मध्य प्रदेश में इतिहास रचेगी कांग्रेस पार्टी। कभी इतने बड़े बहुमत से कांग्रेस ना आई हुई जो आज वर्तमान समय में जो स्थिति है वो जो देखने को मिल रही। भाई साहब, आपकी क्या राय है वर्तमान समय किस प्रकार की राजनीति हो रही है? बहुत गलत राजनीति हो रही है, राजनीति इस समय पर चल रही है। 59 गांव कट गए हैं, वो भी राम खिलावन पटेल के, उसमें राज्य मंत्री हैं इस समय जी। तो उसमें बहुत दिक्कत थी, बाजार एकदम खत्म हो चुकी है। तो हम लोग बदलाव इस बार चाहते हैं, हमारे दादा भाई डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह जी इस बार फुल बहुमत से इस बार जिताना है दादा भाई को। बिल्कुल। और वर्तमान में जो राजनीति हो रही है युवाओं के लिए, भाजपा सरकार में क्या कुछ काम हुए हैं या नहीं हुए हैं, किस प्रकार से आप सहमत और असहमत हैं? भाजपा के शासनकाल में कोई युवाओं के लिए कुछ नहीं है। स्कूल कॉलेज बनवा देने से कुछ नहीं होता। अगर हम पढ़ ही लिख लेंगे, जब रोजगार नहीं है तो हमारे पढ़ने लिखने का क्या मतलब है? बिल्कुल सही। पढ़ लिख के अगर हम किसी के यहाँ 8,000-10,000 की नौकरी कर रहे हैं एक बनिया के यहाँ, तो हमारी पढ़ाई लिखी का कोई मतलब है क्या? जब हम कोई जब हमारे पास कोई एक अनपढ़ व्यक्ति भी आज के डेट में 15,000-20,000 रुपए कमा लेता है, लेकिन हम पढ़े लिखों को कोई रोजगार नहीं है। चुनाव आता है तब शिवराज सरकार अपना योजना बहुत रखती है। अब ये 18 साल सरकार कहाँ थी जो आज लाडली बहना चला रही है? लाडली बहना 4 महीने चलाया, जब जनता चूतिया है क्या, बुद्धू है कि समझ नहीं रही है कि आप पहले से पैसा बांट रहे हो? और चुनाव आयोग क्या कर रहा है इसके लिए? चुनाव आयोग क्या कर रहा है इसको? अभी 7 तारीख लाली बहना किस दे दी आपने, इसका मतलब क्या दिख रहा है? वर्तमान समय में जिस प्रकार हम देखते हैं कि जो भाजपा सरकार है वो कहीं ना कहीं हिंदू को लेके कहती है, कहीं राम मंदिर को लेके कहती है, तो आप हिंदू मुसलमान में नफरत का बीज बोती है। जो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार सिर्फ लड़ाने का काम कर रही है, सिर्फ वोट बैंक काम कर रही है, सरकार काम नहीं कर रही, सिर्फ लड़ाने के नाम पे चल रही है। राम मंदिर, ये मुद्दे क्या होते हैं? आप विकास की बात करें, आपने क्या किया? आपने बेरोजगारी खत्म की क्या? आपने युवा को कुछ दिया काम क्या? मतलब विकास में आपने क्या किया मुझे बताइए। आप क्या कहना चाहेंगे? भाजपा का एक एजेंडा है हिंदू मुसलमान, ठीक है ना? ये बताइए, हम कांग्रेसी हैं तो क्या हम भगवान राम को नहीं मानते हैं? ये बताइए, क्या हम भगवान को नहीं मानते हैं? वो कहते हैं जो भाजपा में वही राम मंदिर उनका एक मुद्दा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। हम कांग्रेसी हैं लेकिन हम भी भगवान राम को मानते हैं। तरीका अलग है, वो ऐसा मानते हैं कि वो लड़ाई चाहते हैं सिर्फ। उन्होंने सिर्फ एक ही नाम कर दिया है कि भाजपा वाले तो राम उनके हो गए, कांग्रेस वाले हो गए तो राम उनके नहीं। ये कहीं नहीं होता अभी। ये बात तो कहीं ना कहीं आप सही बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं मुद्दा हमारा देखा जाए, विकास बात करिए, काम पे बात करिए। आपने विकास का मतलब ये है, विकास का मतलब राम मंदिर नहीं है। हमारे विधानसभा में 100 बेड का हॉस्पिटल बना हुआ है, पर वहाँ पे भी हालत क्या है? डॉक्टर नहीं है। आप यदि बिल्डिंग बना दोगे, डॉक्टर नहीं होंगे तो हमें मतलब क्या है? आप तो सिमला पैसा का खर्च कर रहे हो, उसमें आदमी खा रहा है, घुसखोरी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या हो रहा है? आप जाके देखिए ना। अरे आपने काम किया, अभी क्यों नाम भगवान का नाम ले रहे हो? आप काम करो ना, आप वोट देगी। ओपनिंग बाबूजी, आप क्या कहना चाहेंगे? और हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शहर और गांव को बांट दिया। गांव में प्रधानमंत्री आवास का पैसा 1,20,000 दे रहे और शहरों में उतने बड़ा मकान का 2.5 लाख रुपए दे रहे। ये विसंगति क्यों है? सीमेंट वही रेट, लोहा वही रेट, गिट्टी वही रेट, पर हमको
हिंदू मुस्लिम में बांटा, सिख ईसाई में बांटा और गांव शहर को भी बांट दिया। कांग्रेस पार्टी दादा भाई जी। जो कमलनाथ जी की सरकार थी वो गिर गई थी, उसके पीछे क्या राजनीति हुई थी क्या बता सकते हैं? कमलनाथ जी जो सरकार गिरी उसमें ईडी सीबीआई ऐसी पावर है उनके पास कि हर कोई हिल सकता है। आप काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप उनके विरोध में करोगे, आप दूर मत जाइए। आम आदमी पार्टी दिल्ली में है, संजय जैन, मनीष सिसोदिया, आप वहाँ की पब्लिक से पूछिए कि आम आदमी पार्टी ने वहाँ क्या काम किया। हर बच्चा बच्चा बताए क्या काम किया, आज आपने उनको क्या कहा, आज उनके जेल के अंदर क्या कर गया, कोई वो नहीं है। इसका मतलब क्या समझोगे आप? जो उनके विरोध में जाएगा उनको ईडी सीबीआई उनके जो लगे हुए हैं सब कर देंगे दबाव बना के। तो ये राजनीति क्या हो रही है? ये देश घोटाले वाला काम चल रहा है कि हमें अपनी सरकार बनाना कैसे बनाए, साम दाम दंड भेद। महंगाई के बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि पूरे मध्य प्रदेश में, एक की बात नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में गरीबों का खून टूटे हैं। शिवराज जी अजीला का संख्या गणेश जी अपने घर मनाए, पब्लिक का कोई लेने नहीं है, न पब्लिक को किया न कुछ विकास किया। मेरे गाँव क्षेत्र में मेरे गाँव क्षेत्र का हूँ, भाजपा में था, अभी राहुल भैया से सदस्यता लिया हूँ मैं, राहुल भैया सदस्यता लिया हूँ मैं, पढ़ रहा हूँ। अच्छा अच्छा जी जी, राजेंद्र तिवारी तन्नी महाराज मेरा नाम है, मेरे गाँव को विधानसभा कोठी का रहने वाला हूँ मैं। सर महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? महंगाई के बारे में क्या, किस प्रकार से भाजपा सरकार काम कर रही है? महंगाई बहुत तेज है, महंगाई से जनता परेशान है, इसीलिए परिवर्तन की लहर है। परिवर्तन इस बार परिवर्तन होगा, होगा ही होगा बिल्कुल। इस बार किनकी सरकार आ रही है? इस बार कांग्रेस की सरकार आ रही है बिल्कुल, कमलनाथ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि राहुल गांधी बस बहुत ही कम समय में आने वाले हैं और यहां पे लोगों का जामवाड़ा इकट्ठा हो चुका है और बहुत विशाल सभा यहां पे इकट्ठी की जा रही है। और हमारे सतना शहर में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि आज रखे जाएंगे, विकास के मुद्दे भी रखे जाएंगे और कहीं ना कहीं उन मुद्दों को भी रखा जाएगा जो मुद्दे वास्तव में युवाओं के लिए भी हैं, बेरोजगारों के लिए भी हैं और महंगाई के लिए किसानों के भी लिए है। किसानों के दाम बाबा जले हुए हैं, अभी आज तक नहीं लागा है, कहीं भी देखिए आप बिजली नहीं मिल रही, कहीं चौकटौती हो रही है, इसलिए जरूरी परिवर्तन अनिवार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में जुड़ने के लिए।